इस देश में दंगे रोकना, सांप्रदायिक तनाव रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए बस तीन चीजें चाहिए। अदालतें अपना काम करें, सरकारें यानी पुलिस अपना काम करे, और मीडिया अपना काम करे, और मीडिया जो है वो भड़काऊ कार्यक्रम ना करे। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। अभी दो ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि जो रुड़की में धर्म संसद होने वाली है, वहां से एक भी जहरीला बयान सामने उभर कर नहीं आना चाहिए, और अगर कोई जहरीला बयान सामने उभर कर आया तो हम प्रशासन को कटघरे में खड़ा करेंगे। क्या हुआ? धर्म संसद को ही रोक दिया गया। जी हां, रुड़की पुलिस ने धर्म संसद के आयोजन पर ही रोक लगा दी और उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उस धर्म संसद को रोकने से वहां दंगे शुरू हो गए, नहीं, क्योंकि प्रशासन को पता था कि अगर इस धर्म संसद से जहरीले नारे लगाए गए तो सीधे वहां की पुलिस और वहां का जो नौकरशाह है उस पर अदालत की अवमानना का केस चलने लग जाएगा। अदालत उनकी नकेल कसेगा, अदालत उनके कान उमेठेगा, और उसी डर से उस धर्म संसद पर ही रोक लगा दी गई। इसका अर्थ, अदालत ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया, और मीडिया पूरी तरह से खामोश रही। मीडिया ने यह नहीं कहा कि अदालत ने हिंदुओं के साथ जो है अपमान किया, नहीं साहब। अदालत का साफ तौर पर कहना था कि ऐसे आयोजनों से समाज में तनाव पैदा होता है और दंगे जैसे हालात होते हैं, और इससे प्रशासन को ही मुश्किलात पेश आती हैं। अदालत के उस आदेश के पीछे यह सोच थी, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, अदालत ने अपने आदेश में दरअसल कहा क्या था, जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उसका एक एक शब्द जो है वो खासे मायने रखता है। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे, हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हो, हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं। यानी कि साफ तौर पर एक आदेश। अब मुख्य सचिव जो है, जैसे ही आदेश आया वो पूरी तरह से हिल गए। वो जानते थे कि जो धर्म संसद होने वाली है वहां जहरीले बयान दिए ही जाएंगे, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है कि हमारे सो कॉल्ड धर्म गुरु, अब हमें उनसे यह डर लग रहा है कि वो जहरीले बयान देंगे। और क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसी राज्य में हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था, और उसमें क्या क्या कहा गया था आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आनंद स्वरूपानंद महाराज, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी बातें ना सुनी गईं, यानी कि हिंदू राष्ट्र जो है वो स्थापित नहीं किया गया, तो 1857 में जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी गई थी, हम वैसी ही जंग छिड़ेंगे भारत सरकार के खिलाफ। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सही मायनों में देशद्रोह की परिभाषा है कि आप राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। मगर क्या आनंद स्वरूपानंद महाराज पर कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल नहीं की गई दोस्तों। बिहार से धर्मदास महाराज, इन्होंने तो वैसी तमाम हदें पार कर दी। धर्मदास महाराज कहते हैं कि जैसे नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था, मैं उसी तरह से मनमोहन सिंह की छाती पर 6 बार गोलियां चलाता। धर्मदास महाराज को जेल में होना चाहिए था, वह अभी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस तरह के बयानात वहां पर दिए जा रहे थे। और अंत में इनको देखिए, स्वामी प्रेमानंद, उन्होंने हिंदुओं से कहा कि आप धर्म की रक्षा के लिए हथियार खरीदें। यानी कि एक एक बयान जो है ना, वो एक नगीना बयान था, एक एक बयान समाज के अंदर जहर फैलाने का प्रयास था, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाए और उसी के चलते इस संसद पर, धर्म संसद पर रोक लगा दी गई। मगर जब पुलिस अपनी काम नहीं करती तो तब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूं, दोनों दिल्ली की। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको याद है मुसलमानों के खिलाफ गंदे गंदे अभद्र नारे लगाए गए थे। जिस व्यक्ति ने, जी हां, भाजपा का नेता अश्विनी उपाध्याय, जिसने इसकी अगुवाई की थी, उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई।
शायद एकाध दिन के लिए तलब कर लिया गया होगा, मगर उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुराड़ी के अंदर हिंदू महापंचायत होती है, क्योंकि धर्म संसदों के अंदर जिस यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया जाता है और वो बेल पर रहा है, वो उसी हिंदू महापंचायत में फिर आता है और फिर उसके अंदर जहरीले बयान देता है। और दिल्ली पुलिस कहती है कि हमारे पास जहरीले बयानों का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। उस आयोजन के अंदर पत्रकारों की पिटाई की गई थी, महिला पत्रकारों के बारे में अश्लील बयान दिए गए थे, फब्तियां कसी गई थीं, और बावजूद इसके दिल्ली पुलिस कहती कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है नफरती बयानों का। अरे खंगालिए उस हिंदू महापंचायत को, आपको ढेरों प्रमाण मिल जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पर दिल्ली पुलिस ने अपना काम नहीं किया। मगर जब आप अपना काम करते हैं तो इस नफरत को रोका जा सकता है, इस सांप्रदायिक तनाव पर काबू पाया जा सकता है, दंगों पर काबू पाया जा सकता है। जहांगीरपुरी की हम बात करते हैं। जहांगीरपुरी में 3 यात्राएं निकली थी। पहली 2 यात्राएं शांतिपूर्ण निकली, उन्हीं 2 यात्राओं की अनुमति थी। तीसरी यात्रा की बात करते हैं, तीसरी यात्रा की अनुमति नहीं थी। उस यात्रा के अंदर लड़के जो हैं हाथ में तमंचे लेकर जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे। परिणाम क्या हुआ? जब वो फिर से गुजरते हैं उस मस्जिद के सामने से, तो पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से गोली भी चलाई जाती है। 5 लोगों को रासुका के तहत गिरफ्तार भी किया जाता है। मगर मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, क्या उस तीसरी यात्रा की अनुमति नहीं थी? पुलिस को कायदे से उस मस्जिद के सामने रहना चाहिए था। अगर पुलिस अपना काम करती तो क्या आपको लगता है जहांगीरपुरी में तनाव पैदा होता? नहीं होता। पुलिस ने अपना यहां पर काम नहीं किया, कटघरे में पुलिस थी। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, उत्तर प्रदेश। मैंने कल्पना नहीं की थी दोस्तों कि मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 2 चीजें की हैं। आपकी स्क्रीन पर ये खबरें देखिए, उन्होंने क्या किया है दोस्तों, लाउडस्पीकर्स पर रोक लगा दी है। 11,000 लाउडस्पीकर्स पर रोक, 17,000 लाउडस्पीकर्स को जब्त कर लिया, और सिर्फ मस्जिदों के नहीं, मंदिरों के लाउडस्पीकर्स पर भी रोक लगा दी गई है। मकसद कि भाई रमजान चल रहा है, धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई तनाव पैदा ना हो। उत्तर प्रदेश वैसे भी आप जानते हैं एक संवेदनशील जगह है, एक संवेदनशील राज्य है, यहां पूरा इतिहास रहा है दंगों का। इससे यह पता चलता है कि अगर प्रशासन चाहे तो सख्ती कर सकता है। और कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक और फरमान दिया था कि बगैर इजाजत के आप यात्राएं नहीं निकालेंगे, और अगर आप यात्राएं निकालेंगे तो एक शपथ पत्र देंगे कि आप भड़काऊ नारे नहीं देंगे, दंगे जैसे माहौल नहीं पैदा करेंगे। यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का फरमान था, यानी कि सरकार चाहे तो कर सकती है, और यहां तो भाजपा की सरकार है ना। मगर हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। एक तरफ तो हमारे सामने मिसाल है रुड़की की और उत्तर प्रदेश की, मगर दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करनी है, तो इनका पालतू मीडिया झूठ बोलता है, गलत खबरों का प्रचार प्रसार करता है, जैसे कि न्यूज 18 और टाइम्स नाउ नवभारत। न्यूज 18 ने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया कि पहले जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ हुई और उसके बदले के चलते अलवर में मंदिर तोड़ा गया। झूठी खबर, क्योंकि अलवर में मंदिर जो है 2 दिन पहले तोड़ दिया गया था, वो भी भाजपा की इजाजत से, जो कि नगर पालिका में था। मगर न्यूज 18 ने ये झूठ आपको बताया, ये सच आपसे छुपाया। जिस एंकर ने ये काम किया था उस पर अब तक कोई एक्शन नहीं किया गया है, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। बात यहां नहीं रुकी। अब टाइम्स नाउ नवभारत देखिए साहब, टाइम्स नाउ नवभारत ने क्या किया, यह बताया कि अलवर के अंदर एक हिंदू महिला का तो घर तोड़ दिया गया, मगर एक मुसलमान था उसकी दुकान को छोड़ दिया गया। जबकि असलियत क्या थी दोस्तों, वो मुसलमान जो था उसका अपना घर नहीं था, उसका मकान मालिक एक हिंदू था जिसका नाम था मनीष दीक्षित। मगर इस न्यूज चैनल ने राजस्थान को बदनाम करते हुए इस झूठ का प्रचार प्रसार किया।
और आप देख सकते हैं तमाम भाजपा के नेता ने उस झूठ को आगे भी बढ़ाया। अमित मालवीय, कैलाश विजयवर्गीय और गौरव भाटिया, तमाम जो भाजपा के नेता प्रवक्ता थे उस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सत्ता हासिल करनी है, वहां पर माहौल बर्बाद करना है, वहां पर गहलोत सरकार को बदनाम करना है कि देखो ये हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि अगर सरकारें चाहें, अगर राजनीतिक दल चाहें, अगर मीडिया चाहें तो समाज में शांति हो सकती है, मगर जैसे कि मैंने आपको एक एक मिसाल पेश की, यह प्रमाणित कर रहा है कि जहां नियत हो वहां हालात को काबू में लाया जा सकता है, मगर जहां नियत ना हो वहां हालात बद से बदतर हो सकते हैं। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं जाते जाते, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है, वो छात्रों को पत्रकारिता भी पढ़ाते हैं। जब 2018 से पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब उन छात्रों का, उन पत्रकारिता के छात्रों का इस्तेमाल होता था भाजपा की चुनावी रैलियों में। लेक्चर देने के लिए कौन लोग आते थे? साधु महात्माओं को बुला लेते थे लेक्चर के लिए ये लोग, यानी कि शिक्षा के नाम पर वहां मजाक हो रहा था। फिर कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया जो खुद एक पत्रकार रहा, एक वरिष्ठ पत्रकार रहा है। वहां पर हालात सुधरे और फिर वो पत्रकारों को बुलाने लगे बाहर से लेक्चर्स देने के लिए। अब कमलनाथ की सरकार वहां चली गई है 2 साल पहले, आपको पता है। अब वहां पर फिर से वही हालात शुरू हो गए। आपने देखा होगा 2018 से पहले शिवराज सिंह चौहान भड़काऊ बयान नहीं देते थे, बुलडोजर चला दूंगा, ये कर दूंगा, मार दूंगा, ठेक दूंगा, ऐसी बयान नहीं देते थे। वो समझ गए कि अगर मुझे सत्ता में बने रहना है तो मुझे इस तरह के भड़काऊ बयान देने होंगे, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है साहब। तो अब वो बुलडोजर मामा बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा को तो सत्ता मिल गई। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नहीं है, वहां जीत गए, उनका पेट भर गया, इसलिए वहां भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। मगर अब भड़काने कहां भड़काना है? मध्य प्रदेश में भड़काना है, छत्तीसगढ़ में भड़काना है, राजस्थान में भड़काना है। पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो हालात बिगड़ सकते हैं, राजनीतिक दल चाहें हालात बिगड़ सकते हैं, पुलिस चाहे हालात बिगड़ सकते हैं, मीडिया चाहे हालात बिगड़ सकते हैं, मगर अगर मीडिया, पुलिस, सरकारें और नेता चाहें तो हालात ठीक हो सकते हैं। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि अभिसार जी, देश की नसों में इतना जहर भर दिया गया कि इससे उबरने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, कल्पना कीजिए और कल्पना करेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरती सियासत को त्याग देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने एक संबोधन करते हैं और कहते हैं कि आगे से कोई नफरती बयान नहीं देगा, वो जो साधु हैं जो इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं उन पर भी लगाम लगाएंगे, और अगर वो इस तरह की राष्ट्रीय अपील कर दें तो क्या आपको लगता है इसका असर नहीं होगा क्या? बिल्कुल असर होगा, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्हें और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि ऐसे बयान देने से शायद हमें वोट्स हासिल होंगे, और इसका छोटा सा प्रमाण है उत्तर प्रदेश। चुनावों से पहले जहां मुख्यमंत्री 80-20 कैराना में जाकर संवेदनशील बयान देते थे, अब उनके तेवर देखिए, अब वो क्या काम कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समझते हैं कि अगर प्रदेश में तरक्की लानी है, शांति कायम करना है, अगर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बेहतर बनाना है तो इन तमाम चीजों पर काबू लाना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आदित्यनाथ जी, आपके ये तेवर अगले 5 साल तक जारी होंगे। ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव आने से पहले फिर आप वही सब शुरू कर दें, नहीं, या जब 5 साल पूरे होने वाले होंगे फिर वही चीजें शुरू हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।